छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में अलग अलग राज्यों से नेताओं का दौरा भी जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पर्यटन और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मंत्री रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड के विकास कार्यों की जानकारी दी और साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। उत्तराखंड के पर्यटन और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मंत्री सतपाल जी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने देश का लोहा माना है। जहां पूरी दुनिया को लग रहा था कि कोविड के बाद भारत की इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भारत ने सबको वैक्सीनेट करने का और पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा भाजपा ने उत्तराखंड में संकल्प लिया था कि पहाड़ में रेल चढ़ेगी और इस संकल्प पूरा हुआ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाला किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 लाख लोगों को घर मिलने वाला था, लेकिन इस सरकार ने उनसे उनका घर छीनने का काम किया है। यहाँ कांग्रेस सरकार ने घोटाले ही घोटाले किए हैं। आपके सामने शराब घोटाला है 2000 करोड़ का, कोयला घोटाला है 500 करोड़ का, गोठान गौओं का जो बाड़ा होता है उसका घोटाला है 1300 करोड़ का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में फूड सिविल सप्लाई का 600 करोड़ का घोटाला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भ्रष्टाचार है, रेत माफियाओं को बढ़ावा मिला है, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हुआ है, हर घर नल योजना जो बहुत कल्याणकारी योजना है पूरे देश ने जिसको अप्रिशिएट किया है, हमारे पहाड़ों में जो लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहाड़ों में हमारे घर घर पानी आएगा, उसमें हजारों का घोटाला है। और आपने नए सोर्स को टैप नहीं किया बल्कि पुराने सोर्स में ही और नलके जोड़ दिए, तो पानी कहाँ से आएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 लाख लोगों को वंचित रखा गया, एक छत से वंचित रखा गया। इस प्रकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 16 लाख लोगों को मिलना था वो, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि धर्मांतरण किस तरह से होता जा रहा है, गरीबों को प्रलोभन देकर के आप धर्मांतरण कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के अंदर हमने बड़ा सख्त कानून पास किया है धर्मांतरण के ऊपर कि प्रलोभन से आप किसी का धर्म नहीं बदलते। ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इस फर्मा टाइम्स के साथ, और मैं थी आपके साथ खुशी सुहेल।